जब भी मैं दिल लगा के वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ये रोदड़ू वाली शक्ल आप लोग देखे। पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि अब लास्ट नहीं होगा। पता है बजरंग बली मेरा टीचर है यहाँ पर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओह नो, फालतू हॉस्पिटल में क्या लॉजिक होता है? पता है होता है कि सबको सुसू आ गया, यही वही लगता है उन्हीं के लिए। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से ब्लॉग वीडियो में। तो यार मेरा ना मतलब मैं एक तो रात भर दर्द से तड़पा हूँ और ऊपर से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। और ऊपर से एक तारीख को बोला था डॉक्टर की यूसीजी कराने के लिए, लेकिन एक तारीख तक हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। पेन इतना बढ़ गया, आपको पता है मम्मी मेरी ब्लॉग देखेगी, चिंता करेगी, मेरे फैमिली रिलेटिव सब चिंता करेंगे। लेकिन अब क्या ही करें यार, मेरा पेन इतना बढ़ गया ना कि अभी हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी जस्ट आए हम और सोमनाथ को कॉल किए क्योंकि उसका घर आस पास, उसका घर सामने ही है, मतलब हॉस्पिटल के पास ही है। उसका जान पहचान का भी बहुत जन है और उसको नॉलेज भी है, यहाँ का लोकल है ना इसीलिए। तो वो मेरा बोला कि इमरजेंसी में चेकअप करवाएगा, इमरजेंसी में रुकवाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार। मतलब क्या ही बोले, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं, ऐसा पेन हो रहा है। फिलहाल पता नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब जो भी है यार जल्दी ठीक हो जाए, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता ये पेन। ऊपर से यार मेरा तो मैं रास्ते में गाड़ी रोका हुआ था इसलिए उसने बोला साइड कर लेने के लिए। उस हॉस्पिटल के जस्ट सामने खड़ा हूँ मैं। और क्या बोल रहा था मैं कि बोल रहा था कि पेन इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भी है यार जल्दी ठीक कर दे ईश्वर। तो पता है बजरंग बली मेरा टीचर है यहाँ पर, कंधा पे हाथ रखे हुए हैं मेरे, फिर भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। और उम्मीद है जल्दी आप के सामने हम थोड़ा फ्रेश होके ब्लॉग बनाएं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी ये रोदड़ू वाली शक्ल आप लोग देखें क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता ऐसे ब्लॉगिंग करना यार। और मेरे फैमिली मेम्बर भी देखते हैं ना, लोग चिंता करते हैं सब कोई कि क्या हो गया इसको। और अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो देखना सब परेशान हो जाएंगे। मैं अभी किसी को बोला नहीं हूँ घर पे कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि अगर बोलूँगा तो सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए अभी बोला नहीं हूँ। आराम से मैं देख लेता हूँ डॉक्टर क्या बोलता है, इमरजेंसी में जाके दिखाऊँगा डॉक्टर क्या बोलता है क्या नहीं। और जब भी मैं दिल लगा के वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं। हो सकता है ऊपर वाला जो करता अच्छे के लिए करता, मेरे लिए अच्छे ही कर रहे होंगे शायद, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद इंसान को नहीं खोना चाहिए और यही सब तो याद आएंगे क्योंकि मुझे याद है कि किसी बड़े यूट्यूबर ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ मैं, उसने कहा था कि एक पिक पे ऐसा आएगा कि आपको पेन होगा, इंजरी होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। सो मेरे साथ भी वही हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। और अगर इस पेन को झेल लोगे और इस पेन को पार कर जाओगे तब आप गोल अचीव कर पाओगे अपने, मतलब जो आपका बोलते हैं ना, जो आपका गोल हो, जो आपका एम हो, वो अचीव कर पाओगे। तो उम्मीद है ये रास्ता थोड़ा कठिन होगा मेरे लिए, फिर भी मैं चलूँगा ज़रूर और पीक पर पहुँचने का कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत जन देखते हैं चले जाते हैं। और ब्लॉग पे बने रहना, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है क्या नहीं। मे भी अगर इमरजेंसी में घुसा दिया, अगर कुछ हो गया मतलब कुछ ऑपरेशन या फिर कुछ क्रिटिकल केस हो गया तो ब्लॉग मैं नहीं कर पाऊँगा कंप्लीट। और अगर ऐसा रहा तो मैं बोल दूँगा किसी को, आर्यन को ही बोल दूँगा कि मेरा
ब्लॉग कंप्लीट करके एडिट करके और आप लोगों को तक पहुंचा दें। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके हो जाना। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा किडनी तुम्हारा लीवर सब ठीक है। भैया लड़का टेंशन में है, फिर भी मजाक करने नहीं बोला। बताइए मेरा सीजर हुआ था तब हम खुद मजाक कर रहे थे जिंदगी से, डॉक्टर वहाँ हंसते खेलते मेरा सीजर कर दिया, हमको पता नहीं चला, एक जरा पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद जो दर्द हुआ उसके बाद तो दिखता है ना, उस वक्त आपको ये कर दिया था ना। अरे छोटा मोटा दवाई से उम्मीद है वही रहे दवाई से, अभी तो टेस्ट नहीं कहा, अभी वही टेस्ट कराने के लिए जा रहा है, आज एक तारीख है, आपको नहीं देगा, देखिए कब देता, आप पूछ लेंगे उससे कब, कल दे देगा सर रिपोर्ट, एक दो दो टेस्ट लिखा था, एक का तो रिपोर्ट आ जाएगा, आज ही देख लेंगे रिपोर्ट, आज तो टेस्ट है तो, और देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। और भैया हमारे हमारी फ्लैट का पैसा देना है, सोच में डूबा हुआ पैसा खत्म हो गया मेरे पास, जितना कमाया सब कोई बात नहीं, राहुल आ जाएगा पैसा, राहुल आ जाएगा पैसा, रो मत, जारी पैसा खर्चे में मर गया, जितना कमाया सब चल गया फ्लैट में, एक बार में निकल गया, दो साल की कमाई यूट्यूब की फ्लैट में चला गया। अब इन्वेस्टमेंट एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब पहले की तरह मतलब ऐसा लगता है कि वीडियो भी नहीं चल रहा है मेरा, और चलेगा फ्लैट लीजिए ना आप, देखिए कैसे वीडियो चलेगा, हम लोग बना भी नहीं रहे, चलेगा क्या मतलब, हम लोग ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे थे, हम पब्लिक पे क्यों थोपे यार, पब्लिक को जो पसंद है वो देखती ही देखती है, सही बात, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो आपको क्यों, शकल इतना भी शाहरुख खान नहीं है जो क्रश बन जाए सब लोगों का, नहीं क्रश तो है राहुल भैया है कि नहीं, कौन 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 क्रश खाता है राहुल भैया, कमेंट करना, सिस्टम है भाई। तो अभी बारिश में कोलकाता कुछ ऐसा दिखता है, सही है भाई, बहुत बारिश हो रहा है, आपको लगा आज लेट हो जाएंगे, चलिए मिलते हैं आपको हॉस्पिटल में, देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। कैसा एक्सपीरियंस रहा शिशु मंगल हॉस्पिटल का? फालतू हॉस्पिटल है सारा, डेढ़ दो घंटा बैठा के रखा हुआ, हम लोग कुछ देखो पूरा खाली हो गया, हम लोग आए थे भरा हुआ था, खाली हो गया, क्या लॉजिक देता है पता है, बोलता है कि सबका सुसु आ गया इसीलिए जा रहा है, आई कोई मतलब होगा जो पहले से बैठा हुआ, अब मान लो कोई दर्द में बैठा हुआ तो इंतजार रद्द करते रह जाएगा, वहाँ फालतू हॉस्पिटल कोई इज्जत नहीं भाई, पूरा पेशेंट का पूरा खाली हो गया, हाँ पेशेंट का कोई इज्जत नहीं, कोई बात नहीं, वो जा रहा पीछे से फ़ोन में बात करते करते, उससे पूछ रहे हैं आप क्या बोल रहा है सला, नीचे बताएंगे नीचे बताएंगे, सबसे लास्ट में तुम ही जाएगा, आया ऐसे कर रहा है बताओ, आया था सबसे पहले जाएगा सबसे लास्ट, नहीं लड़का है कोई जितने नहीं, हम वही ये भी वही लगता है उन्हीं के लिए, लेडीज लोग को पहले भेज दिया यार, कोई मतलब हुआ, लड़का लोग के साथ बहुत नाइंसाफी होता है यार, कोई मतलब थोड़ी है कि हाँ भाई लड़की है तो पहले भेज देगा। सबसे ख़राब चीज़ क्या है इस हॉस्पिटल का पता है, इस हॉस्पिटल को ख़राब इसके जो लोग रहते हैं ना वो ख़राब करते हैं, नाम रेपुटेशन ख़राब करते हैं शिशु मंगल का, काम करता है उनको बात करने नहीं आता है, तरीका नहीं है बात करने ना ही, अगर गलती से आप बिहार के हो तो आपसे ऐसा टिटिया बात करेगा कि आप लग रहा है पता नहीं कहाँ से आए हम लोग, एक औरत आई, मतलब मैं आपको बाहर में एक्टिंग करके दिखाऊंगा कैसे क्या हुआ था, सोचो ना कि हम लोगों से पांच लोग बाद आए, वो लोग सब चले गए, सब खाली हो गया, हम वो भी जो लड़की आई थी वो भी बहुत लेट से आई थी, ये भैया और हम बचे हैं बस, और कोई नहीं, दिक्कत है ना, बहुत तकलीफ है भाई, ऐसे ऐसे करता है ना तो आप बहुत गुस्सा लगता है, पैसा हम तो कम नहीं करता है जो पहले देगा ये भाई, तो जितना पैसा और एक्स्ट्रा लिया भाई पैसा, तो डॉक्टर ने बोला वैसे घबराने की बात नहीं है, मतलब रिपोर्ट मेरा सारा नॉर्मल आया, डॉक्टर बोला ठीक है किस वजह से नस वस का प्रॉब्लम हो सकता है, डॉक्टर दवा दिया है मुझे, और इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम बता रहा था कि इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आप इसको दवा चलेगा तो नॉर्मल रहेंगे, वैसे एक चीज़ से राहत मिला कि मेरा रिपोर्ट सारा नॉर्मल आया, यही चीज़ मुझे अच्छा लगा, अब मैं फ्री हो के मतलब अच्छे से दिमाग से अच्छे से
हम वर्कआउट कर पाएंगे, क्योंकि मैं बार बार यही सोच रहा था कि मेरा वर्कआउट बंद हो जाएगा, मेरा वर्कआउट बंद हो जाएगा। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, एक देखो है ना, नॉर्मल, सारा नॉर्मल है, नॉर्मल स्टडी। सो मच जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया, और घर वाले अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो टेंशन ना लो आप लोग, मम्मी पापा मेरी बुआ सब, मैं ठीक हूँ और रिपोर्ट भी नॉर्मल आया। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और देख रहे हो ना, इसलिए आप लोग भी अपना सेहत का ख्याल रखो, मैं इतना रखता हूँ फिर भी मेरा ये हाल है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।